जय हिंद नमस्कार साथियों साथियों, मैं प्रदीप सियाक विवेकानंद डिफेंस एकेडमी सुजानगढ़ से और मैं जुड़ चुका हूं एआरओ जोधपुर आर्मी अग्निवीर भर्ती ग्राउंड पर। दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 6 दिसंबर को जीडी भर्ती का जो पहला दिन था वो था और आज फर्स्ट बैच है वो यहां पर रनिंग करके बाहर आ चुका है। तो हमारे साथ में कैंडिडेट जुड़ा है, इससे हम बात करने की कोशिश करते हैं कि किस प्रकार से इनका पहला दिन रहा, कितने बच्चे आज क्लियर किए हैं, किस प्रकार से इनका जो भर्ती का प्रोसेस था जीडी का पहला दिन उसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। तो सबसे पहले तो जवान थोड़ा सा अपना परिचय बता दो। सतपाल, कहाँ से हो आप? जाइल से। तो दोस्त मेरे को आप सबसे पहले ये बताओ कि आप आज कौन से बैच के अंदर थे, कौन सी कैटेगरी थी? जीडी के फर्स्ट बैच के अंदर अपना ये जवान था। तो कितने बजे आपने ग्राउंड के ऊपर एंट्री किया था आज? 3 बजे। और रनिंग क्या मतलब जब लग गो हुआ 3 बजे से लेकर उसके बीच का टाइम टेबल लगभग कितना था? लगभग 4 बजे के लगभग हो गया होगा पहले बैच का। अच्छा, तो अभी मेरे को आप ये जानकारी बताओ, जैसे कल कलर को टेक्निकल वाले बच्चे थे उनके अंदर रनिंग पास कितने, उसके हिसाब से आज जीडी का जो पहला बैच है उसके अंदर जो भी चीज़ बताओ बिल्कुल सटीक और सही बताना यार, ठीक है? फर्स्ट बैच अभी आज अपना जीडी का जो फर्स्ट बैच था उसके अंदर लगभग कितने लड़के क्लियर हुए? लगभग 50+। 50+ बच्चे, भाई बिल्कुल एक्यूरेट बता रहा है। मैंने और भी काफ़ी सारे जवानों के साथ बातचीत की थी, जीडी का जो फर्स्ट बैच था उसके अंदर 100 बच्चों का बैच था, उसके अंदर 50 लगभग 52-53 बच्चे हैं वो पहले बैच के अंदर पास हुए हैं, जिसके अंदर एक्सीलेंट कितने बंदे थे? एक्सीलेंट लगभग 20-25 बंदे, 20+ ही थे, मतलब 25 हो सकता है 25+ हो जाए लेकिन 20+ बंदे एक्सीलेंट थे और बाकी थे गुड के अंदर। इसका मतलब भाई गजब का टाइम मिल रहा है, सब कुछ बेस्ट चल रहा है बच्चों में। मतलब जो आप जो नॉर्मल ग्राउंड के ऊपर रनिंग करते हो वहाँ से जब आप इस सिंथेटिक ग्राउंड के ऊपर आते हो तो बहुत ज़बरदस्त इम्प्रूवमेंट होता है। इस चीज़ को आप मान के चलिए कि आप लास्ट तक कंटिन्यू रनिंग रखिए, आप टॉप 30, 35, 40 के अंदर चल रहे हो तो लास्ट के अंदर अच्छा एफर्ट लगाइए, आप आराम से रनिंग कर लिए, रुकना नहीं है। आपने कितना कंप्लीट राउंड किए थे आज? 4 अब आपका जैसे वहाँ पर अपना नॉर्मल ग्राउंड था उस पर कितना टाइम आता था? वहाँ पर 4:35-35 फिर भी यहाँ पर बाई चांस रह गए, मतलब कैसे क्या कारण रहा, कोई विशेष? वो तो पैरों में से मतलब पैर भर गए थे और नंबर आगे पीछे वैसे उसका भी कोई फर्क पड़ा नहीं? वो तो कोई फर्क नहीं। अच्छा अच्छा, तो दोस्तों बहुत बढ़िया, आज जीडी का पहला बैच था उसके अंदर मतलब बहुत बेस्ट टाइम मिल रहा है। 50+ बच्चे एक ही बैच के अंदर लेना और उनमें से भी 25+ बच्चे एक्सीलेंट लेना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। तो मैं आपको यही चीज़ कहना चाहूँगा कि आने वाले जितने भी कैंडिडेट्स हैं वो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि आपको लास्ट फिनिशिंग तक अपना पूरा एफर्ट लगाना है। आपको जब तक रस्सी क्रॉस ना करें उससे पहले आपको अपना बॉडी लूज नहीं छोड़ना है, क्योंकि बच्चों की संख्या बहुत ज़्यादा इस बार क्लियर हो रही है। और कुछ विशेष कुछ मतलब अपने बच्चों को जो नेक्स्ट टाइम में आने वाले हैं उनको कुछ विशेष बात बताना चाहोगे? पैर दौड़ना, नंगे पैर दौड़ना या मतलब जूते पहने दौड़ना बेटर रहेगा? जूते पहन के दौड़ने में बेटर रहेगा, वो भाई सबकी अपने अलग अलग राय रहती है। आप भले ही नंगे पैर दौड़ो चाहे शूज पहन के दौड़ो वो आपके ऊपर निर्भर करता है। आपने शूज पहन रखे थे या नंगे पैर? शूज पहन रखे थे। लगभग जैसे बच्चों को देखा होगा तो मतलब 50% बच्चे ऐसे थे जो नंगे पैर दौड़ रहे थे, नंगे पैर भी दौड़ रहे थे आराम से। बाकी ऐसा कोई विशेष पॉइंट जिनका मतलब बच्चे नेक्स्ट टाइम में ध्यान रखें? डॉक्यूमेंट्स के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है? नॉर्मल क्या डॉक्यूमेंट दिए थे स्टार्टिंग में? नॉर्मल एफिडेविट और एडमिट कार्ड, एडमिट कार्ड ये तो होना जरूरी है, जाति मूल और 10-12 जो भी अपनी मार्कशीट है वो, ये तो स्टार्टिंग का जो डॉक्यूमेंट्स था वो था आपके पास, ये 5 डॉक्यूमेंट्स होने अनिवार्य है। बाकी डॉक्यूमेंट्स के बारे में कल का ही अपना एक वीडियो अपलोड किया हुआ है जिसके ऊपर पूरा A to Z इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। तो दोस्तों बहुत ही बेस्ट रहा है, आप कंटिन्यू अपनी जो भी 8, 9, 10, 11, 12 जिन बच्चों की रनिंग है वो थोड़ा सा एफर्ट लगाना, 100% रनिंग क्लियर करोगे और गजब का इस बार अंदर का जो अपना स्टाफ था उसका बर्ताव बच्चों के प्रति बहुत ही गजब का जो बर्ताव है वो भी युवाओं के साथ में, अपना जो सीनियर स्टाफ है आर्मी स्टाफ है उनका रहा है। बाकी आप लोग देख सकते हो कुछ है कैंडिडेट जो यहाँ पर अपने फ्रेंड्स का जिनके साथ आए हैं तो यहाँ पर वेट कर रहे हैं भाई क्या रहता है, क्या रिस्पॉन्स रहता है। जबकि भर्ती ग्राउंड की A to Z इन्फॉर्मेशन आपको अपने इस चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। पास आउट बच्चों का भी इंटरव्यू लेंगे और उनसे भी जानेंगे कि दिन का क्या प्रोसेस रहा था, क्या कल वाले डॉक्यूमेंट्स में या आज वाले डॉक्यूमेंट्स में कोई विशेष प्रकार का फेरबदलाव है या बिल्कुल एक्यूरेट कल की तरह चल रहा है। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो तथा नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत वंदे मातरम।